हिमाचल प्रदेश में इस बार व्हाइट क्रिसमस की आस फिर से जग गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 25 और 26 दिसंबर को मौसम विभाग ने हल्की बर्फबारी की आशंका जताई है। हालांकि इस दौरान भारी बर्फबारी का कोई आसार नहीं है, लेकिन क्रिसमस पर आसमान से बर्फ के फाये गिर सकते हैं। लेकिन ऊपर का जो एरिया है, जैसे लाहौल स्पीति, शिमला का भी अपर एरिया मैं कह सकता हूँ कि 25 26 के आसपास से या 25 रात में कोई संभावना है कि वहाँ पे हल्का स्नोफॉल। प्रॉपर शिमला में संभावना बहुत कम है, बादल आ सकते हैं उस दिन। और अभी 3 से 4 दिन ठीक है, मौसम साफ रहेगा, टेम्परेचर कम है, काफ़ी ड्राई एयर चल रही है। काफ़ी टेम्परेचर जो है सबसे कम कम सेरी में है लाहौल स्पीति में, -6.7.9, और उसके बाद केलोंग में है। जहाँ तक कोल्ड वेव कंडीशंस की बात है, जो प्लेन्स के साथ लगते ज़िले हैं जिसमें बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, इन इलाकों में कुछ कोल्ड वेव कंडीशंस भी चली, ठंडी हवाएं। बाकी बाई एंड लार्ज जो है मौसम अगले 3 से 4 दिन ठीक है, साफ ही रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 25 तारीख के बाद कुछ मौसम ख़राब रहेगा, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ एक हल्का सा अप्रोच कर रहा है, तो उसके चलते चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर के ऊपरी हिस्सों में, और हो सकता है कि शिमला के भी जो अपर एरियाज हैं वहाँ पे भी हल्की स्नोफॉल हो सकती है। तापमान जो न्यूनतम तापमान है वो कम है 1 से 2 डिग्री सामान्य से, मैक्सिमम जो अधिकतम तापमान है वो लगभग सामान्य के आसपास या उससे थोड़े से ज़्यादा। और जहाँ तक फॉग की बात है, फॉग सुबह सुबह जो है बिलासपुर, मंडी का कुछ एरियाज, ऊना, हमीरपुर, इन इलाकों में जो जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज है उसके आसपास जो है काफ़ी डेंस फॉग जो है अर्ली मॉर्निंग में रिपोर्ट हो रही है पिछले कुछ दिनों से, और ये कंटिन्यू करेगा आगे भी जैसे 3 से 4 दिन। लेकिन ये है कि जैसे 25 के बाद पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, और 28 29 के आसपास थोड़ा सा उसका इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो उन दिनों ये भी संभावना है कि न केवल ऊपरी क्षेत्रों में लेकिन हिमाचल के जो मध्यम क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ भी हो सकता है कि बारिश और बर्फबारी हो, और उससे जो है फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलने की संभावना है। यानी लग रहा है कि 28 29 के आसपास, जैसे अभी तक इंडिकेशंस है कि कुछ जो है मध्यम क्षेत्र के जो इलाके हैं जिसमें कुल्लू है, शिमला है, कांगड़ा है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, इन इलाकों में भी कुछ जगह पे जो है बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उसमें ऊना है, हमीरपुर है, बिलासपुर है, और सोलन के कुछ एरिया जैसे नालागढ़, बद्दी इलाका, इन इलाकों में फॉगी भी रहता है और कोल्ड भी रहती है, तो इसलिए हमने जो है शीतलहर का भी एक जो है अलर्ट जारी किया, और ख़ासकर विजिबिलिटी का, क्योंकि विजिबिलिटी आप देख रहे होंगे कि पंजाब और हरियाणा पूरे एरियाज़ में काफ़ी कम विजिबिलिटी रहती है, तो हिमाचल के साथ हिमाचल के जो इलाके पंजाब से साथ जुड़े हुए हैं, जैसे उसमें ऊना आता है, ऊना में फॉग होता है, बिलासपुर, इन इलाकों में डेंस फॉग के अलर्ट जो है जारी किया हुआ है। बारिश लगभग ना के बराबर बारिश है, अगर विंटर की बात करें हम दिसंबर में, तो वर्चुअली आप देखेंगे कि अभी तक कोई बारिश नहीं हुआ है, और जो पीछे स्नोफॉल देखने को मिला है हमें अक्टूबर में कुछ देखने को मिला है, अर्ली अक्टूबर में, उसके बाद लगभग जो है कोई बारिश नहीं हुई है, ड्राई एक तरह से पूरा मौसम चल रहा है, और डेफिसिट है, डेफिसिट स्केंटी जो है प्रेसिपिटेशन का जो है लेवल है अभी तक का, जो ओवरऑल जो है रेनफॉल का परफॉर्मेंस है काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक नहीं है बल्कि ख़राब है इस साल पिछले सालों के मुकाबले। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।